हेलो फ्रेंड्स, सो आज का वास्तु वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास इन तीन बातों की आती है कि हमारे घर के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे घर के अंदर हेल्थ के इश्यूज बहुत हैं, हमारे घर के अंदर पैसा आता तो है बट वो टिकता नहीं है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो तीन मोस्ट कॉमन क्वेरीज हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई किसी तरीके से पूछता है, और इसको हमारे को सबसे पहले समझना है कि ये जो तीनों एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में, ये हमारी किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इससे हमारा जो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है वो कैसे हार्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वास्तु से कैसे इसके रेमेडीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सोल्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लाइफ में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन अपने आप दे सकें, और हमेशा ये समझें कि ये जो चीज़ है इसका जो डायरेक्टर है वो आपका खुद का ब्रेन है। अगर आपने ये नोटिस किया है कि आपका अगर माइंडसेट या ब्रेन स्ट्रांग होता है तो आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन को या किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से नेविगेट कर पाते हो, चाहे फिर वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो फिनेंसेस हो, चाहे फिर कोई भी एक डिफ़िकल्टी हो। तो इम्पोर्टेंस क्या रहती है कि हमारा जो पर्टिकुलर ब्रेन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो जब हमने ये स्टडी करा साइंटिफिकली कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर मैक्सिमम वाटर परसेंटेज रहती है, तो कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि ब्रेन को हेल्दी रखना है तो बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब हमने ये भी समझा कि भाई ब्रेन को अगर वाटर के एलिमेंट की ज़रूरत है, एयर के एलिमेंट की ज़रूरत है, तो ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं। इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है जैसे हमें अर्थ या फायर एलिमेंट दिखते हैं, ये वैसे आसानी से इनको देखना या इनको महसूस करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड है या जो हमारा ब्रेन है, हमारे को उसके अंदर भी इन दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो एक तो इनवाइट करने चाहिए, हमें ओपन रहना चाहिए, हमें अपना एक जो स्टेट ऑफ लर्निंग है उसको हमेशा स्मूथ और ओपन और फ्री और यू नो फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो ऑटोमेटिक एक बहुत ही अच्छे रिसीविंग मोड पर आ जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो पॉजिटिविटी को भी रिसीव करने लगता है। तो ये तो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल रेमेडी हुई जो आप अपने लाइफ में अपना सकते हो। दूसरा, जो हमने इसको वास्तु के साथ कनेक्ट करके देखा, तो ये जाना कि जो ब्रेन ऑफ द हाउस है उसको हम नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन मानते हैं, जो प्रिसाइसली जो राइजिंग सन होता है उसका जो एकदम राइजिंग टाइम होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पे वास्तु में जो एलोकेटेड फिगर है, ह्यूमन फिगर है, उसका ब्रेन एलोकेट किया गया, क्योंकि हमार को अपना दिन शुरू करने से पहले तन से भी ज़्यादा हमार को अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं आजकल की लाइफ में, उठते हैं और मोबाइल पे अपना दिमाग लगाते हैं, या उठते हैं टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे बुरी बुरी न्यूज़ देखते हैं, बट जो पहले के टाइम के ऋषि मुनि थे वो सबसे पहला जो काम करते थे वो अपने ब्रेन के एक्टिवेशंस का करते थे। कैसे करते थे? वो सुबह उठते ही एक्सरसाइज करते थे जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्योरीफाई होता था, उसके बाद फिर वो गंगा स्नान करते थे या वो अपने आप को प्योरीफाई करते थे बाहर से, उसके बाद फिर वो चैंटिंग करते थे जिससे उनका जो ब्रेन होता था वो और स्ट्रांग हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि हम पहले अपने टेस्ट को या अपने अदर सेंसेस को एक्टिवेट करने से पहले हम अपने ब्रेन को रिचार्ज करते थे, जिसकी वजह से जो हमारा दिन था, जो हमारा लाइफस्टाइल था या जो हमारा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया था वो और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन होता था। तो इसीलिए हमने वास्तु में भी ये नोटिस करा कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जो इतना इम्पॉर्टेंट आपका बॉडी पार्ट है
उसमें जो एलोकेटेड प्लैनेट है, क्योंकि वास्तु के अंदर हर एक डायरेक्शन में एक आप बॉडी पार्ट भी देखते हैं, दूसरा कि जो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को सिंप्लीफाई करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वहां पर हमने एक प्लैनेट भी डाला। तो जो प्लैनेट का ट्रेट है वो यहाँ पर जुपिटर का आता है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और उसी को अगर हम इस तरीके से देखें कि जो बड़ा है, जो सबसे मतलब सूरज के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर ही माना जाता है, और एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को एक बहुत बड़ा समृद्धि का, स्वास्थ्य का, वृद्धि का और प्रोजनी का वो माना जाता है, प्लैनेट माना जाता है। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में रखती है, उस डायरेक्शन में अगर आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर्स या नेगेटिव डिफेक्ट्स ऐड कर डाले, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर हैसल्स दिखते ही दिखते हैं। तो एक ऐसा जो मेजर डिफेक्ट है वो आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का या WC के होने का बहुत बड़ा मेजर डिफेक्ट माना जाता है। सो इसीलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो हमारा ब्रेन भी रिप्रेजेंट करता है, आप ये नोटिस कर लीजिए कि आप जैसे ही वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो एक्टिविटी आप करने लगते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को रेजोनेट करने लगती है। कैसे? जैसे अगर आपने उस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के कोने में डस्टबिन डाल दिया, तो आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपके सोचने की शक्ति है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और उसमें आइडियाज़ आते नहीं हैं, आप नए डिसीजंस नहीं ले पाते, आप सोचते रहते हैं और सोचते भी उसी तरीके से रहते हैं कि आप एक रील बन जाते हैं, आप लूप में सोचने लगते हैं, आप ट्रैश सोचते हैं, आप नेगेटिव विचार अपने मन में लाते हैं। तो डस्टबिन की जो ट्रेट्स हैं वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करती हैं। सिमिलरली अगर आपने इस डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रख दी है, तो वॉशिंग मशीन बहुत जल्दी सोचती है, मतलब सोचती नहीं, काम करती है। तो वैसे ही आपके जो ख्याल होंगे उसमें एंग्जाइटी बढ़ जाएगी और आप बहुत कंपल्सिव, बहुत ही ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से जो भी उसमें एड ऑन आप चीज़ें डालेंगे उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर दिखेगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हम बुद्धा का जो स्टैच्यू होता है, जो मेडिटेटिंग स्टैच्यू होता है, वो रेकमेंड करते हैं गोल्डन या वाइट कलर में। सो ऑटोमेटिकली जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा ब्रेन कॉर्नर या ईशान कोण या देवगुरु बृहस्पति का जो जोन होता है, उसको हमारे को ऐसे एलिमेंट्स के साथ फिल करना चाहिए जो हमारे ब्रेन को रिचार्ज करे और हमारे माइंड को पॉजिटिवली एक्टिवेट करे। तो सर्टेनली जो अगर स्ट्रक्चर में आपके टॉयलेट यहाँ पर प्लेस्ड होता है और WC यहाँ पर मिलता है या टॉयलेट भी मिलता है, तो दोनों अपने आप में बहुत बड़ा मेजर डिफेक्ट देते हैं। और घर के अंदर ये बहुत देखने को मिलता है कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वारल्स रहते हैं और हर वक्त डिस्टरबेंस रहती है, एक दूसरे पर शक करना, प्यार से बात नहीं करना, हर वक्त फाइट करना, आर्गुमेंटेटिव नेचर हो जाना, या किसी तरीके से जो रॉन्ग डिसीजंस हैं वो फैमिली में हेल्थ को लेके लिए जाते हैं, हेल्थ की परवाह नहीं की जाती है। जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो आप फिनेंशियली भी डिसीजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ले पाते। तो इसीलिए ब्रेन ओवरऑल आपकी जो प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस है उसको बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट करता है। इसीलिए आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट करा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई डिफेक्ट है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बट फिर भी क्योंकि एक ये जनरल रेमेडीज आज आपको आउटलाइन बताई जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हर घर की कंडीशन के हिसाब से ये ही अप्लाई होंगी, क्योंकि हम सिर्फ मकान की कुंडली नहीं देखते, हम ओनर की भी कुंडली देखते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। ठीक है, अगर आपने अपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नॉर्मल और जनरल रेमेडीज़ का एक चेंज करना है अपने घर में, तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड अप्लाई इट एंड लेट अस नो कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदली हैं या कितना उसमें आपको इन्हांसमेंट दिखा है। राइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1 रेमेडी इज़ कि आप उस टॉयलेट का यूसेज बिल्कुल बंद कर दें और किसी भी तरीके से वहाँ पर जो WC के एक्टिविटीज़ हैं उसको यूटिलाइज ना करें। ठीक है, बाथरूम भी अगर अटैच्ड है तो बाथरूम आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, बट सजेस्टेड यही रहता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉयलेट को यूज़ ना करें।
ठीक है। नंबर टू रेमेडी इज कि आप उस बाथरूम को, अगर तो उस बाथरूम के अंदर अच्छी बड़ी खिड़कियां हैं और लाइट सनलाइट उसमें दिन भर आती रहती है तो ठीक है, बट अगर वहाँ पर सनलाइट नहीं आती है, क्योंकि जनरली बाथरूम्स के अंदर वेंटिलेटर्स ही होते हैं, एग्जॉस्ट ही होते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई अच्छा खासा सनलाइट की एंट्री नहीं हो रही है तो दोपहर में उसमें एक येलो कलर का बल्ब जला के रखें ताकि वो हर वक्त अच्छे से ब्राइटली लिट रहे, ठीक है। नंबर थ्री इज कि उस बाथरूम के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी स्टोर नहीं बनाना है, कि अगर आपने वो बाथरूम यूज़ करना छोड़ दिया है और ड्राई कर दिया है तो उस बाथरूम के अंदर आपने कूड़ा कबाड़ या बेकार टूटी फूटी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स डाल दी हैं, क्योंकि इससे वहाँ पर राहु एक्टिवेट हो जाएगा और जो बृहस्पति के परम शत्रु हैं, और वो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है बल्कि सुधारने की जगह खराब कर देंगे। नंबर फोर्थ टिप इज कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई एंटी कलर्स हैं, जैसे कि रेड कलर्स हो गए या ब्लैक कलर्स हो गए या ब्राउन कलर्स हो गए हैं, तो प्लीज़ उसको रिमूव करके जल्दी से जल्दी उसका जो कलर स्कीम है वो न्यूट्रल्स में या वाइट्स में रखें। न्यूट्रल्स में आप आइवरी बेजेस या क्रीम्स ले सकते हैं और वाइट्स ले सकते हैं, ग्रेज और ब्लैक को अवॉइड करिए। नंबर फाइव टिप इज कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप कर सकें तो वहाँ पर एक मिरर लगाएं, और मिरर लगाएं तो इस तरीके से कि उसमें आपका WC ओवरलुक ना करे, और आप उस पर्टिकुलर मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक वाटर का रिप्रेजेंटेशन ऐड करेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि मिरर जो होगा आपका वो राउंड होगा, वो चकोर या रेक्टेंगल ना होगा, ठीक है। तो आपने ज्योमेट्री का भी ध्यान रखना है। इन केस अगर आपको लगता है कि इन जनरल रेमेडीज से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, डू लेट अस नो। बट इन केस अगर आपको लगता है कि उसके अंदर और रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर को स्टडी कराना है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड इनबॉक्स अस योर क्वेरी, विल गेट इन टच विद यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर।